जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा बहुत ही श्रेष्ठ दिन माना जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं भी कहते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोपरि है, यानी गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि गुरु हमें जीवन में सही राह दिखाता है, जीवन की हर परेशानी तरक्की के रास्ते दिखाता है, इसीलिए गुरु को सर्वोपरि माना गया है। और गुरु के आशीर्वाद से ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिससे हमें मुक्ति ना मिले। और दोस्तों, गुरु के आशीर्वाद से हर मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, गुरु के आशीर्वाद से पितृदोष, ग्रह दोष सभी दूर होते हैं, इसीलिए इस दिन गुरु का पूजन अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन देखिए, जो भी आपने गुरु बना रखे हैं तो उनका पूजन, उनका ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, साथ ही देखिए, गुरु पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको गुरु का आशीर्वाद मिले और गुरु के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना, जीवन की हर परेशानी से आपको मुक्ति मिले। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जिन भी जातक की कुंडली में गुरु कमज़ोर होते हैं तो उसे जीवन के हर क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु संतान का, पति का, विवाह का और विद्या का कारक माना जाता है। इस दिन विद्यार्थियों को भी अपने गुरु का पूजन अवश्य करना चाहिए जिससे कि उन्हें पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिल सके। दोस्तों, अगर आपने कोई गुरु नहीं बना रखे हैं तो शास्त्रों में कहा गया है कि जिनके गुरु ना हो उन्हें भगवान विष्णु को अपना गुरु बना लेना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस दिन आप भगवान विष्णु को अपना गुरु समझकर या मानकर अगर उनका पूजन करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन की जितनी भी परेशानी है वो अवश्य दूर होती हैं। इस दिन गुरु का पूजन करने से गुरु दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष सभी दूर होते हैं और जिस भी कार्य में आपको रुकावट आ रही है तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के दिन स्नान करके देखिए अपने घर के मंदिर में साफ सफाई अवश्य करें और घर के मंदिर में आपको देखिए रोली से यानी कुमकुम से आपको स्वस्तिक अवश्य बनाना चाहिए। चाहे तो आप अपने मंदिर के ऊपर बना सकते हैं या मंदिर की चौखट पर बना सकते हैं, लेकिन इस दिन स्वस्तिक अवश्य बनाएं, इससे घर में आर्थिक क्षेत्र में लाभ मिलता है। अपने घर के मंदिर में आप एक रोली से स्वस्तिक अवश्य बनाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपके देखे गुरु हैं तो उनका ध्यान अवश्य करें, उनका पूजन करें और उनके लिए कुछ ना कुछ अवश्य, जितना भी हो सके कुछ ना कुछ अवश्य करें या कुछ पैसे अवश्य निकालें और उसको दान कर दें। साथ ही दोस्तों, अगर आपके देखे कोई गुरु नहीं है तो आप भगवान विष्णु को अपना गुरु बनाकर इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको चंदन, अक्षत, पीले फूल, पीले फल अवश्य चढ़ाएं और धूप दीप जलाकर इस दिन देखिए गुरु पूर्णिमा के दिन जो आपको खास उपाय करना है ताकि आपकी जो भी परेशानी है या ग्रह दोष है तो उनको दूर करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन आपको खीर का भोग अवश्य लगाना है। दोस्तों, भगवान विष्णु को आपको खीर का भोग लगाना है, उसमें तुलसी डालें और साथ ही देखिए धूप दीप जलाकर आपको ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री गुरुवे नमः मंत्र का 21, 31 या 108 बार उच्चारण अवश्य करें जिससे कि आपको गुरु की कृपा मिले। दोस्तों, उस जो आपने खीर का भोग लगाया है या फिर जो आपने घर में खीर बनाई है, आप इस दिन किसी भी मंदिर में जाकर किसी भी ब्राह्मण को दान अवश्य करें, उनको गुरु स्वरूप मानकर उनको अवश्य खिलाएं। गुरु पूर्णिमा के दिन देखिए अपने गुरुओं के नाम से थोड़ी सी खीर अवश्य निकालें और उस खीर को किसी भी मंदिर में किसी भी ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा रख के अवश्य दें। दोस्तों, गुरु के नाम से जो भी आप दान पूर्ण करते हैं उसका कई गुना फल मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु के आशीर्वाद से जीवन की कोई भी ऐसी परेशानी या ऐसी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो सके। दोस्तों, साथ ही अगर देखे मंदिर ना जा सके तो किसी भी बालक को इस दिन गुरु स्वरूप मानकर उसे खीर खिलानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप किसी भी ब्राह्मण को या फिर किसी भी बच्चे को उस खीर को अवश्य खिलाएं और साथ ही जो आपने श्री हरि भगवान को खीर का भोग लगाया है तो उसको प्रसाद स्वरूप सह परिवार मतलब परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा ग्रहण अवश्य करें। इससे आप सभी पर गुरु की कृपा प्राप्त होगी और गुरु के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, साथ ही देखिए हैं तो इस दिन शिवलिंग पर आप एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए आप शिवलिंग पर जल अवश्य ही अर्पित करें और साथ ही देखिए पीपल की 7 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए अवश्य लगाएं। पीपल पर भी आप शुद्ध जल अवश्य अर्पित करें क्योंकि पीपल में देखिए सभी देवताओं का वास माना जाता है। पूर्णिमा के दिन
श्रीहरि भगवान का और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इससे आपकी जो भी परेशानी है वो दूर होती है और आपके घर में माता लक्ष्मी और श्रीहरि भगवान का वास होता है। दोस्तों इस दिन आप अवश्य इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो शीघ्र पूरी होगी। दोस्तों गुरु पूर्णिमा सबसे श्रेष्ठ दिन माना गया है। भगवान ने स्वयं भी गुरु को सर्वोपरि माना है और उनका पूजन किया है। गुरु के आशीर्वाद से आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। दोस्तों इस उपाय को अवश्य करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए जो सुहागन महिलाएं हैं उनकी कुंडली में जो गुरु होता है वो देखिए पति का और संतान का कारक माना जाता है। और इस दिन अगर आप गुरु की पूजा करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं, तो उनका आशीर्वाद से आपको शीघ्र ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।